गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है नाइन्थ क्लास। और नाइन्थ क्लास में जो हमारा चैप्टर था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके दो पैराग्राफ हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। सो हम थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं आज। व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर 1939, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिक्वायर्ड इंडियन असिस्टेंट इन द वार ग्रेटली। जब 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वो जब प्रारंभ हुआ था या स्टार्ट हुआ था, तब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, जो इंडिया वाले हैं उनकी हेल्प ली थी। देयरफॉर इन अगस्त ऑफर इन 1940 CE द ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसलिए 1940 ईस्वी को एक जो अगस्त ऑफर नाम से एक रिपोर्ट तैयार हुई थी, मतलब एक बिल हुआ था, उसका नाम था अगस्त ऑफर। उसमें क्या हुआ था, जो अंग्रेज़ थे या जो ब्रिटिश थे, उन्होंने जो इंडिया वाले थे उनको क्या कहा था, इसे एक्सेप्ट करने के लिए डिमांड की थी। इन जुलाई 1945 द न्यू गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी कम इनटू पावर इन इंग्लैंड विच शॉर्टली गेव इंडिकेशन फॉर मेकिंग इंडिया फ्री एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1945 जुलाई में जो इंग्लैंड थे उन्होंने एक लेबर पार्टी की, जो एक न्यू गवर्नमेंट थी उसको लेकर क्या, और उसे ही जो इंडिया था उसे एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के में एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया। आगे देखते हैं हम। इन मार्च 1946 द गवर्नमेंट सेंड ए 3-member कमीशन टू इंडिया विच इज़ नोन एज द कैबिनेट मिशन। जो मार्च है, मार्च 1946 में गवर्नमेंट ने एक 3-member कमेटी बनाई और उसको भारत में भेजा गया, जिसे क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहा जाता है। थ्रू द प्लान ऑफ द कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड विच बिल्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कैबिनेट मिशन था उसकी जो कमेटी बनाई गई उसे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के गठन में यूज़ किया गया, और इसी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका बनना भी तैयार किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी बनना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में है, द मिशन बिलीव्ड दैट द मोस्ट सेटिस्फाइंग पोजिशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इज एट दैट टाइम व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड थ्रू इलेक्शन बाय एडल्ट फ्रेंचाइज, बट द मुस्लिम लीग स्टार्टेड टू परफॉर्म वायलेंट एक्ट्स डिमांडिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू विच द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर स्टार्टेड टू वीकन। जो कैबिनेट मिशन था वो ये मानता था कि जो संविधान सभा के जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है वो क्या सेटिस्फाइड नहीं है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्ड, मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज जो इलेक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। और जो मुस्लिम लीग था उसने क्या करा, जो पाकिस्तान है उसके निर्माण में अपनी क्या रख दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, और इसी के साथ साथ में जो लॉ है उसको बनाने का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। इन द ईयर 1935 लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर फॉर्म्ड इन द इंडियन प्रोविंसेस थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 में जो भारत था उसने एक क्या करा था, मतलब भारत ने, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने इंडिया एक्ट एक लेकर के आए थे, और उसे ही जितने भी कमेटी बनाई गई कमेटी बनाने के लिए यूज़ किया गया। द कैबिनेट मिशन कन्फर्ड द राइट टू द इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली दैट दे कैन इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस। अब कह रहा है कि जो विधानसभा थी उसके जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड हुए थे, और इसी के साथ साथ जो कैबिनेट मिशन थे उसने लेजिस्लेटिव को कि जितने भी मेंबर्स थे उनको क्या राइट दे दिया था, कि वो अपने अपने साइड के जितने भी जो जगह है उनमें क्या करें,
खुद ही इलेक्शन करवाए और मेंबर्स को इलेक्टेड करे। आगे है हमारे, ब्रॉडली वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज डिटरमाइंड अवर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। और क्या कहा गया था इसी के साथ में कि जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख लोगों के ऊपर मतलब एक साथ होनी चाहिए, मतलब 10 लाख होएगी तभी कुछ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसके लिए ज़रूरी होगी। फॉर इंस्टेंस इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोविंसेस वॉज 1 करोड़ देन फ्रॉम द प्रोविंसेस द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वुड बी 10 विच वुड बी इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट प्रोविंसेस। अब इसी के साथ कहा गया है कि जैसे किसी भी प्रदेश के या फिर कहीं किसी भी जगह के जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ थी, तो उस वहाँ पर क्या होगा, एक जो कमेटी बनेगी वो कितने मेंबर की बनेगी, 10 मेंबर की बनेगी, जिसका जो इलेक्शन है वो कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा ही किया जाएगा। एट दैट टाइम, उस टाइम पर इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, और इंडिया को कितने भागों में बांटा गया था, 2, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, तो 2 भागों में बांटा गया था, एक तो प्रिंसली और एक ब्रिटिश। सिमिलर क्राइटेरिया ऑफ पॉपुलेशन वॉज कैप्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ प्रिंसली स्टेट आल्सो, बट एज देयर वर नो लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द प्रिंसली स्टेट, therefore it was decided to nominate the members of legislative assembly from there. In this way the Indian Constituent Assembly had both elected and nominated members. अब इसी के साथ में क्या, इसे 2 भागों में तो बांट दिया था, प्रिंसली और ब्रिटिश, उसके बाद में जो संविधान सभा थी उसके जो मेंबर्स थे उनके जो पॉपुलेशन थी उनके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया, और ऐसा किया गया कि जो संविधान सभा उसके जो मेंबर्स हैं उनको तभी इलेक्टेड किया जाएगा जब संविधान सभा में जो इलेक्टेड होने चाहिए और इसी के साथ साथ नॉमिनेटेड दोनों ही तरह के सदस्य आएँ या दोनों ही तरह के मेंबर्स हो। सो आपका ये टॉपिक यहीं आज ख़त्म होता है और आपकी क्लास भी आज यहीं ख़त्म होती है।